जी राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी हरियाणा के गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी राजस्थान के ही श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी अर्जुन राम मेघवाल जी कैलाश चौधरी जी हरियाणा के ही राव इंद्रजीत सिंह जी रतनलाल कटारिया जी कृष्णपाल जी संसद के मेरे अन्य सभी सहयोगीगण विधायकगण भारत में जापान के राजदूत हिज एक्सलेंसी श्री सतोषी सुजुकी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव भाइयों और बहनों आप सबको भी मेरी तरफ से 2021 के इस वर्ष की शुभकामनाएं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है सिर्फ बीते 10-12 दिन की ही बात करें तो आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई उसी प्रकार से ड्राइवरलेस मेट्रो उसका भी आरंभ हुआ गुजरात के राजकोट में एम्स तो ओडिशा के संबलपुर में आई इसके परमानेंट कैंपस का काम शुरू हुआ दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ देश के छह शहरों में 6000 घर बनाने का काम शुरू हुआ नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की गई देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास हुआ 450 किलोमीटर लंबी कोची मेंंगलुरु गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के सालीमार के लिए सौवीं किसान रेल चली और इसी दौरान ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा फ्रेट कॉरिडोर रूट पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और अब आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है सोचिए सिर्फ 10-12 दिन में इतना सब कुछ और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूं जिसमें जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला लेकिन इसके सिवाय भी भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के द्वारा अनेक वीत महत्वपूर्ण सैकड़ों प्रकल्प इस 2021 के प्रारंभ से ही लोकार्पण का सिलसिला चल रहा है जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शानदार जानदार होना तय है इतने लोकार्पण इतने शिलान्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने ये सब कोरोना के इस संकट भरे कालखंड में किया है कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की दो मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति ये सारी बातें देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा कौन मां भारती का लाल होगा कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो आज हर भारतीय का आह्वान है न हम रुकेंगे न हम थकेंगे हम सब मिलकर सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे साथियों डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है पिछले पांच छह वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है वहां माल गाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है जिस रास्ते में माल गाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो वहां अब पहले से करीब करीब तीन गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी माल चलने लगी है भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए साथियों आज हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे वो भी डेढ़ किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में आज अपनी मौजूदगी अपनी ताकत दर्ज करा रहा है भारत उसमें शामिल हो गया है इसके पीछे हमारे इंजीनियरों टेक्नीशियंस और श्रमिकों की बहुत बड़ी मेहनत रही है देश को गर्व करने वाली उपलब्धि इस देश को देने के लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को विशेष करके रेलवे के हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों आज का दिन एनसीआर हरियाणा और राजस्थान के किसानों हो उद्यमी हो व्यापारी हो हर किसी के लिए नई उम्मीदें नए अवसर उम्मीदे, लेकर आया है डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न ये सिर्फ आधुनिक माल गाड़ियों के लिए आधुनिक रूट सिर्फ नहीं है ये डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी हैं ये कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे भाई और बहनों देश के अलग अलग हिस्सों के सामर्थ को ये कैसे बढ़ा रहे हैं ये पूर्वी फ्रंट कॉरिडोर ने दिखा ना शुरू भी कर दिया है न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन पर एक तरफ पंजाब से हजारों टन अनाज की खेप लेकर गाड़ी निकली वहीं दूसरी तरफ झारखंड से मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हजारों टन कोयला लेकर मालगाड़ी एनसीआर पंजाब और हरियाणा पहुंची यही काम पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर भी यूपी हरियाणा से लेकर राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में यही काम करने वाला है हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही साथ ही महेंद्रगढ़ जयपुर अजमेर सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा इन राज्यों की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा साथियों हम सब भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, का निर्माण जितना जीवन के लिए जरूरी है उतना ही कारोबार के लिए भी आवश्यक है और हर नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी से जन्म मिलता है इसी से सामर्थ्य मिलता है इनसे जुड़ा कार्य अर्थव्यवस्था के अनेक इंजिनों को गति देता है इससे सिर्फ मौके पर ही रोजगार नहीं बनता बल्कि उसके साथ साथ अनेक और उद्योग जैसे सीमेंट हो स्टील हो ट्रांसपोर्ट हो ऐसे अनेक सेक्टर्स में भी नए रोजगार का निर्माण होता है जैसे हम जैसे इस डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर से ही नौ राज्यों में 133, 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं इन स्टेशनों पर इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे फ्रेट टर्मिनल होंगे कंटेनर डिपो होंगे कंटेनर टर्मिनल होंगे पार्सल हब न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं अनेक नई व्यवस्थाएं आधुनिक व्यवस्थाएं और विशाल व्यवस्थाएं विकसित होने वाली है इन सब का लाभ हमारे गांव को हमारे गरीब को हमारे किसान को होगा छोटे 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 उद्योगों को होगा कुटीर उद्योगों को होगा और साथ साथ बड़े मैन्युफैक्चर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा और उनके द्वारा भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी साथियों आज ये रेलवे का कार्यक्रम है और जब रेलवे की बात आए और पटरियों की चर्चा न हो यह संभव नहीं है और जब पटरियों की बात स्वाभाविक है इसलिए पटरियों को ही आधार बना के एक और उदाहरण दूंगा आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दो पटरियों पर एक साथ चल रहा है एक पटरी इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पटरी देश के ग्रोथ इंजन को नई ऊर्जा मिल रही है अगर व्यक्ति के विकास की बात करें तो आज देश में सामान्य मानवीय के लिए घर टॉयलेट बिजली पानी गैस सड़क इंटरनेट जैसी हर सुविधा को उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है पीएम आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान सौभाग्य योजना उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ऐसी अनेक योजनाओं से करोड़ों भारतीयों का जीवन सरल हो सहज हो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और सम्मान के साथ जीने का उसको अवसर मिले इसलिए ये कल्याण के काम भी तेजी से चल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी पटरी का लाभ देश के ग्रोथ इंजन्स हमारे उद्यमी हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है और आज समय की मांग है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैचिंग करें इस दिशा में ले ही जाना होगा हमें विश्व की उत्तम से उत्तम चीजों की ओर बराबरी करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा आज हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे की कनेक्टिविटी पूरे देश में पहुंचाई जा रही है और तेजी से पहुंचाई जा रही है अपने पोर्ट्स को ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है आज देशभर में फ्रेट कॉरिडोर्स की तरह ही इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डिफेंस कॉरिडोर्स टैक क्लस्टर्स इंडस्ट्री के लिए ऐसी विशेष व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं और साथियों जब दुनिया देखती है कि चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंडस्ट्री हो हर किसी से के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है तो उसका एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है इस प्रभाव का ही नतीजा है भारत में आ रही रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इस प्रभाव का नतीजा है भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा का भंडार इसका प्रभाव का नतीजा है कि दुनिया का भारत पर लगातार बढ़ता भरोसा इस कार्यक्रम में जापान के राजदूत श्री सुजुकी जी भी हमारे साथ हैं। जापान और जापान के लोग भारत की विकास यात्रा में एक भरोसेमंद मित्र की तरह हमेशा भारत के साथ ही रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर के निर्माण में भी जापान ने आर्थिक सहयोग के साथ ही भरपूर टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया है मैं जापान और जापान के लोगों का अभिनंदन करता हूं विशेष धन्यवाद देता हूं साथियों इंडिविजुअल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट इन सबका तालमेल भारतीय रेलवे को भी निरंतर आधुनिक बना रहा है कौन भूल सकता है हमारे यहां रेल यात्रियों के क्या अनुभव होते थे हम भी उन मुश्किलों के साक्षी रहे शायद ही में से कोई ऐसा हो कि जिसको इन मुश्किलों से न गुजरना पड़ा हो बुकिंग से लेकर यात्रा समाप्ति तक शिकायतों का ही अंबार रहता था साफ सफाई हो समय पर ट्रेन चले सर्विस हो सुविधा हो या सुरक्षा मानव रहित फाटकों को खत्म किया जाने वाली बात हो हर स्तर पर रेलवे में बदलाव लाने की मांग होती रही है बदलाव के इन कामों को बीते वर्षों में नई गति दी गई है स्टेशन से लेकर के डिब्बों के भीतर तक साफ सफाई हो या बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स हो खाने पीने से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार हो या टिकट बुकिंग के लिए आधुनिक व्यवस्था हो तेजस एक्सप्रेस हो वंदे भारत एक्सप्रेस हो या डॉम कोचिज का निर्माण भारतीय रेलवे आधुनिक हो रही है तेज गति से हो रही है और भारत को तेज गति से आगे ले जाने के लिए हो रही है साथियों बीते छह साल में नई रेल लाइन रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण पर जितना निवेश किया गया है उतना पहले कभी नहीं किया गया रेल नेटवर्क पर फोकस करने से भारतीय रेल की स्पीड भी बढ़ी है और उसका दायरा भी बढ़ा है वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी रेलवे से जुड़ जाएगी आज भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर बेहतरीन टेक्नोलॉजी तक के लिए भारत में ही काम हो रहा है भारतीय रेलवे आज मेक इन इंडिया से लेकर बेहतरीन इंजीनियरिंग की भी मिसाल बन रही है मुझे विश्वास है कि रेलवे की गति भारत की प्रगति को नई ऊंचाई देती रहेगी भारतीय रेलवे इसी तरह देश की सेवा करती रहे इसके लिए मैं सभी रेलवे के साथियों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कोरोना काल में रेलवे के साथियों ने जिस तरह काम किया श्रमिकों को अपने घर पहुंचाया मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे देश के करोड़ों करोड़ों ऐसे साथियों के हमारे रेल कर्मियों पर खूब सारा आशीर्वाद बरसाया है देश के लोगों का रेलवे के हर कर्मचारी पर स्नेह और ढेरों आशीर्वाद दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे यही मेरी कामना है मैं एक बार फिर देश के लोगों को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद